इट्स अ गुड मूव. आप खुद देखते हैं यहाँ लोग कितने ना उम्मीद है. 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए और यहाँ बाबूडम चल रहा है. जो यहाँ अक्सर बाहर के वो हमारे सर पे बैठे हैं. यहाँ करप्शन बढ़ गया है, रेड टेपिज्म बढ़ गया. एक चीज अच्छी है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो अब हल होंगे, क्योंकि उनके नुमाइंदे अब असेंबली में बात करेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे. जी फिर से पूछिए. कैमरा की थी बस. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन करवाना जरूरी, बहुत जरूरी था. आप देखिए यहाँ नाउमीदी कितनी है. हमारे जो नौजवान है मेरे साथ कैंपेन में, इतने सारे नौजवान वर्कर्स जुड़े, नौजवान लड़के लड़कियां, दे ऑल टोल्ड मी कि यहाँ बेरोजगारी, यहाँ औरतें अपना दामन फैलाए. मुझे कह रही थी कि हम भूखे जा रहे हैं. मेरे 3 बच्चे हैं, इतनी डिग्री हासिल की है, तालीम हासिल की है, घर पे बैठे हैं. तो एक रेस्टलेसनेस है, डिस्पेयर है. और हमारा यूथ अब ड्रग्स में जा रहा है. अगर वो गन नहीं उठा रहे गन जो नहीं उठा रहे हैं खुदा ना खास्ता, वो ड्रग्स में जा रहे हैं. ड्रग्स इज बिकम एन एपिडेमिक हियर. सो ऑल दिस हैज टू बी रिजॉल्व्ड एंड दिस कैन बी रिजॉल्व्ड ओनली इफ यू रिज्यूम डेमोक्रेसी. एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया में आपने डेमोक्रेसी को डीप फ्रीजर में डाल दिया इतने सालों से. तो आई एम हैप्पी यहाँ फाइनली इलेक्शन हो रहे हैं एंड लोगों को अपने वो नुमाइंदे सिलेक्ट करके असेंबली भेजेंगे इंशाल्लाह, जहां हम बिला खौफ तरीके से बात करेंगे. There's a speculation going on that PDP can be a game changer. How do you see this after this day? जी? How do you see this? There are speculations that PDP can be a game changer in this election. How do you respond to that? I think PDP is going to play a very instrumental role because आप खुद जानते हैं, आप यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे हैं वैली में, जम्मू कश्मीर में. आपने खुद देखा है कि कोई वेव नहीं है फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टी. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिसाइसिव मैंडेट. ये मैंडेट एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, एक हंग असेंबली होगी और उसके बाद उसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगी, पीडीपी उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी. हाउ होपफुल एम आई? जीत हमारी. No, I don't think so. I think we all have our own space and I'm not going to be somebody petty who will delegitimize somebody or their standing because I feel threatened by them. I think it's a great step that Jamaat is participating. NC brazenly rigged the election. Please, thoda sa. NC brazenly rigged the election in 1987. They criminalized the Jamaat. Because of which our history took a very turbulent course, you know, and we're all paying a price for that. So I think it's wonderful. The Jamaat has done great work here. They provide free education to lakhs of students. So let's not forget the stellar work they've done socially. Thank you.